हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है जिसको बनाना बहुत ही इजी है। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और डबल कलर में भी बना सकते हैं। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दो कलर आपने जो भी चूज किए हैं फ्रेंड्स, उसमें से आपने एक कलर से ये 8 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। मैंने व्हाइट कलर लिया है, व्हाइट में मैंने ये 8 लाइन कंप्लीट कर ली है। उल्टे सीधे की मैंने 8 लाइनें बनाई है। ये बॉर्डर के बाद आपने 8 लाइन बनाने के बाद, अब देखिए सेंटर में आपको जितने भी फंदे रखने हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 7 भी रख। यहाँ पर मैं दूसरा कलर फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रीन कलर लिया है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से ये 5 फंदे सीधे सीधे बुन के उतार लेंगे। देखो आप यहाँ पे 3 फंदे भी बुन सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 फंदे बुनूंगी, 4, और ये हमारे धागे को मैं इस तरीके से लपेटते हुए ले जाऊंगी आगे की तरफ। अब देखिए ये मैंने 5 फंदे बना लिए हैं। अब ये वाला जो फंदा है यहाँ पे हम पत्ता बनाएंगे, तो हम यहाँ पे जो हमारी 8 वाली लाइन है यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए इस तरीके से हम नीडल को डालेंगे और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको हमने थोड़ा इस तरीके से खींच के लेना है। फिर से जो हमारा इस 7 वाली लाइन है, इस यहाँ पे नीडल को डालेंगे और एक फंदा बुन के निकाल लेंगे। अब जो हमारा ये नेक्स्ट वाला जो होल है, इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे। इस तरीके से हमने ये नीचे नीडल को डालना है और यहाँ से इस तरीके से डालेंगे, इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको हमने फिर ये खींच लेना है। इस तरीके से हमने ये फंदे को खींचना है, नेक्स्ट लाइन में डालेंगे, फिर से इसको इस तरीके से हम खींच लेंगे। ये देखिए फिर से नेक्स्ट में डालेंगे। ये हमारा 7 फंदा है, देखिए इस तरीके से, और ये लास्ट हमारा 8, ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारा ये वाला सिंगल फंदा जिसमें हमने ये बनाया, इसको भी हम बुन के इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद देखिए जो हमारा ये वाला जो फंदा हमने बुना था, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर से निकालेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले फंदे को, जो हमारा ये नेक्स्ट वाला है, ये देखिए इसको इनके ऊपर से इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए उसके बाद इस वाले को, सभी फंदों को हमने इसी तरीके से ही इनके ऊपर से गिराते जाना है। जो हमारा ये वाला है लास्ट वाला, इसको भी हम इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा पत्ता बना है। देखिए फ्रेंड, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइटली खींच लेंगे। खींचने के बाद हम यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको खींचना है। अब हम फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से हम सेम प्रोसीजर करेंगे। देखिए जो हमारा ये है सबसे लास्ट वाली लाइन है, यहाँ से हम तरीके से नीडल को डालेंगे और ये धागा हम इस
तरीके से निकालेंगे, एक फंदा बनाएंगे हम यहाँ से, देखिए। इसके बाद जो ये हमारा, देखिए यहाँ पे ये वाले जो लाइन है, यहाँ से हम फिर से इसको इस तरीके से डालेंगे और नीचे से निकालेंगे और इसको खींच लेंगे। इस तरीके से हमने इसको खींच लेना है। फिर से देखिए, यहाँ से इसको इस तरीके से सिलाई को डालेंगे और ये नीचे से इसको निकालेंगे। और फंदे को हमने इस तरीके से ही बनाना है, थोड़ा सा हमने इसको खींचना है। अब देखिए जो हमारे ऊपर वाली ये लाइन है, इसके ऊपर फिर से यहाँ से इसको इस तरीके से धागे को खींचेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको धागे को हमने इस तरीके से ये नीचे से लाएंगे और इसको हमने फिर इस तरीके से थोड़ा खींचना है। अब ये हमारा लास्ट वाला यहाँ से। अब देखिए जो हमारा ये वाला फंदा है, इसको भी हम बुन के निकाल लेंगे। अब देखिए जो ये वाला फंदा था हमारा, जो हमने सबसे पहले बनाया, ये देखिए इसको हम इसके ऊपर से इस तरीके से गिरा देंगे। अब ये वाला सभी फंदों को हमने, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना, ये देखिए। सभी फंदों को सीधा सीधा बुन के उतार लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे रॉन्ग साइड से, सभी फंदों को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन से 6 रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ पे ये हमने ग्रीन कलर से भी 8 रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से डिजाइन को सेट करेंगे। पहले फंदे को हम बुन के उतार लेंगे, सेकेंड फंदे को भी हम बुन के उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 फंदे व्हाइट के बनाए थे, उसके बाद हमने ये यहाँ पे डिजाइन डाला था। इसको हम किस तरीके से डिजाइन को अब यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए जो हमारा ये बुनाई वाला फंदा है, ये देखिए यहाँ पे इसके साइड में हम 2-2 फंदों को रखेंगे और ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। तो हमारा जो डिजाइन है ये हमारे बीच में आ जाएगा इसके साइड में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वाला फंदा है, यहाँ पे अब हम पत्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जहां से ये हमारा व्हाइट वाला धागा दिख रहा है, यहाँ से हम एक फंदा बनाएंगे व्हाइट से। इस तरीके से नीडल को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से इसको खींच लेंगे। ये देख, इसके जस्ट जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से हम फिर से इस तरीके से धागे को निकालेंगे। ये देखिए ये फिर से हमने एक फंदा बना लिया है। अब हम ऊपर वाली लाइन में डालेंगे। हमने इस तरीके से ये 8 फंदे बनाने हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम इसको ना लूज लेना है ना ही हमने टाइट लेना है इसको। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, जब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा डिजाइन को बनाने के लिए, ये पत्ता जो हम बना रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डिजाइन बनाने के लिए। हमने 8 फंदे बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे ये कम्प्लीट हो गए। अब देखिए जो हमारा ये वाला फंदा है, इसको भी हम बुनकर उतार लेंगे।
अब जो ये वाला है देखिए, इसको हम इस तरीके से डालते जाएंगे इन सभी फंदों के ऊपर से। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स और जल्दी बनने वाला डिजाइन है ये। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम 1, 2 और देखिए ये जो हमारा ये वाला फंदा है, देखिए जहाँ पे हमने ये वाला पत्ता बनाया है, अब ये वाला फंदा हमारा बीच में आ गया है। ये देखिए 3, 4, 5 देखिए। नेक्स्ट जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हमारा इसी के बीच में आएगा, इन्हीं फंदों के बीच में। अब देखिए, अब जो हमारा ये बीच वाला फंदा है, यहाँ पे पत्ता बनाएंगे। देखिए जहाँ से ये व्हाइट वाला फंदा जो हमारा दिख रहा है, यहीं पे हम निडल को डालेंगे इस तरीके से, धागे को नीचे की तरफ से निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में डालेंगे, फिर से हम नेक्स्ट वाली लाइन में डालेंगे। ये देखिए, अब जो हमारा ये वाला फंदा है, इसको हम बुन के उतार लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना, एक बार आप भी जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, अब जो हमारा ये बीच वाले फंदे हैं, 5 फंदे हम फिर से बुनेंगे बीच में। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम डिजाइन को फिर से डालेंगे। इसी तरीके से ही आपने डिजाइन को रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से ही हमारा डिजाइन बनेगा। और इसको आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। सिंगल कलर में आपने अगर व्हाइट से बना रहे हैं तो व्हाइट से ही इस तरीके से ही आपने पत्ती को बनाते जाना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।